अस्सलाम वालेकुम, लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, ये नहीं करें प्लीज़। तालीम, हम सब जानते हैं आजकल बच्चों को तालीम दिलवाना कितना मुश्किल काम है। प्लीज़ मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर ये मत करें। मैं कह रहा था, अच्छा पहले आप ये खत्म कर लें फिर मैं उसके बाद बात करूं। हैबिट 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 है हैबिट। देखिए, एक तो आप काली अनग लाके मेरे प्रोग्राम में आए, जबकि आप माशाल्लाह आपकी नजर बहुत अच्छी है। वेल्डिंग कर दो, वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं आप कर ले, आप कीजिए। नहीं नहीं, आप करें, अब नहीं करेंगे आप, ये हैबिट है, मत करें प्लीज। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज जा रही है। अच्छा, मेरे हाथ बांध दो। नहीं नहीं, बस प्लीज। जैसा कि हम सब जानते हैं, तालीम दिलवाना कितना मुश्किल काम है। यूं तो कर सकता हूं ना जी, बिल्कुल। स्कूलों में दाखले मिलना एक अजाब हो गया है, और इस महंगाई के दौर में अगर बच्चे ज्यादा हों तो फिर उन माँ बाप पे जो मुश्किलें गुजरती हैं उसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। आज मेरे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक फिर एक ऐसे घर से है कि जहाँ बच्चे हैं और प्रॉब्लम है तालीम का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं? जी हाँ। आपके बच्चे हैं? तुम्हें तकलीफ? नहीं, क्या मतलब? तुम्हें तकलीफ है? तहकीक करने की जरूरत नहीं, तहकीक करने की जरूरत नहीं। जो सवाल आपने किया उसी सवाल पर रहें कायम। अच्छे खासे संजीदा प्रोग्राम को मजाया ना बनाए। आपके बच्चे हैं, तुम्हें कोई तकलीफ है? देखिए ये सवाल जो तकलीफ है तो बताओ कि भाई मुझे ये तकलीफ है। बात सुनिए, आपका जवाब जो है, मतलब आप जब आए हैं यहाँ तो आप पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी तालीम पर भी तो बात कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने पूछा कि बच्चे आपके हैं, हैं आपके बच्चों के? मेरे बच्चे हैं। देखो, तालीम सबका हक है या नहीं है, मैं वही हक दिलाना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 12। क्या कहा आपने? 12, 12, 1 dozen। 12 बच्चे? 12 बच्चे हैं आपके? इतनी हैरत का इजहार मत करो, आराम से ऐसे कहो, 12 बच्चे हैं आपके, कहो इस तरह को, 12 बच्चे हैं आपके। हाँ, ये तो अच्छा लगा ना जी, तहजीब है इसमें। वो बद तहजीबी थी जो भी तुम चीखे थे, बद तहजीबी थी। पर आपके 12 बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। असल में जितनी भी हुकूमत आती है वो ये ऐलान करती है बच्चे दो ही अच्छे। अब मैं क्या करूं, मेरी बीवी अच्छे बच्चे दिए जा रही है। शादी को कितने बरस हो गए? गैस करो आप। मैं बता दूं जी प्लीज। 14, 14, 14, 14 बरस में 12 बच्चे? अब ये बदतमीजी है, तरीके से जवाब देना है दे। खबरदार, अगर बदतमीजी की कंपेयर को कंपेयर रहना चाहिए। भाई आप प्रोग्राम रोकें।